आगरा ने हुकूमत को पेट्रोल महंगा ना करने का रास्ता बता दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं, नहीं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे ही इजाफा करना पड़ेगा। आगरा ने दो तजावीज देकर बॉल हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। आज की इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, मजबूरी में IMF के पास जाते हैं, शराइत के लिए वहां पर वोट डालना पड़ता है। वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पब्लिक वर्जन का इजरा कर दिया। कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया, पूरी कोशिश है रियासत और अवाम एक रास्ते पर चले। मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। खुशकिस्मत है हमारे पास बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्स है। कल नेशनल असेंबली में जो बुलडोज किया गया है और इस मिनी बजट के लिए, तो मैं उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। जब मेजॉरिटी वोट के जरिए एक कानून पास होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको बुलडोज किया जा रहा है? जब आप अगर मेजॉरिटी में हो तो वो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी का फैसला है, और अगर कोई किसी दूसरे की मेजॉरिटी हो तो फिर आप कहते हैं वो बुलडोज हो रहा है। सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिजली के निरखों में इजाफे का मामला उठा दिया। यूसुफ रजा गिलानी बोले, हर माह कीमतों में इजाफा करके एहतजाज पर उकसाया जा रहा है। कौमी असम्बली में कानून साजी को बुलडोज किया गया, अगर बात नहीं सुनी तो वॉकआउट करें। अली मोहम्मद खान के रिमार्क्स पर अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेटर कुरतुलैन ने कॉरम की निशानदही कर दी। कराची में कोरोना तश्वीशनाक हद तक बढ़ने लगा। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 28.8% तक पहुंच गई। 2081 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में शरह 9% से जायद। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। 3567 नए केस रिपोर्ट। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। ओमिक्रोन भी पंजे गाड़ने लगा। लाहौर में मजीद 27 अफराद में ओमिक्रोन की तस्दीक। तादाद 378 हो गई। मुल्तान से भी 3 मरीज रिपोर्ट। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। रात के अंधेरे में मिनी बजट मंजूर। ऑपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। फॉर्मूला दूध पर 17% GST लगेगा। दरामदी गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आए। 1300 CC की मकामी गाड़ी पर 2.5% ड्यूटी। 2000 CC तक की गाड़ी पर 5% ड्यूटी। लाल मिर्च और आयोडाइज्ड नमक पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी मंजूर करा लिया। गवर्नर स्याहो सफेद का मालिक, वजीर आजम से भी ताकतवर होगा। अवाम के लिए पैसे नहीं, वजीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। उस्मान बुज़दार के दफ्तर की तज़ीनो आराइश के लिए 4,91,00,000 रुपए खर्च होंगे। नए एयर कंडीशन और कारपेट की तब्दीली होगी। इसको मिनी बजट नहीं कहना चाहिए, इसको आवाम कातिल बजट कहना चाहिए। IMF के हवाले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर दिया है। हाथ पांव बांध कर एक एटमी कुवत को अग्यार के हवाले कर दिया है शख्स ने जिसका नाम इमरान नियाजी है। ये मिनी बजट नहीं, अवाम का कातिल बजट है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, ये कह रहे हैं सब अच्छा है। मुल्क डूब रहा है, मुईशत सिसकियां ले रही है। हमजा शहबाज की हुकूमत पर चढ़ाई। बोले इनके हवारी भी जान गए कि अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे। हुकूमत की बेहिसी खत्म नहीं हो रही। PTI का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। FIA तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देता है, कितनी मछलियां आएंगी। पूरा मुल्क इन हरकत की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लोगों को FIA से खौफजदा नहीं होना चाहिए कि ये मुझे उठा कर ले जाएंगे।
केपी अस्पतालों में आम शहरियों के लिए कोई सहूलत नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के अकलियतों के हकूक से मुतल्लिक अस्कुद नोटिस केस में रिमांड। कराची में धर्मशाला की जमीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाही पेश करने का हुक्म। राणा शमीम के अदलिया में मुदाखलत के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। आपको किस बेंच पर शक है कि जो कोई और बनाता है? जिनका बयान हल्फी में नाम है वो बेंचेस का हिस्सा नहीं थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक कराने के लिए भी मुआवनत तलब कर ली। सियासी बयानियों पर केसेस के फैसले नहीं किए जा सकते। असल ऑडियो मौजूद है तो हम दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट से फोरेंसिक कराएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉरपोरेट फ्रॉड केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 दिन तक हिफाजती जमानत मंजूर। एफआईए की केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। बैंक जराइम कोर्ट ने केस का चालान वापस कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च और किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। 4 सियासी जमातों को शिरकत की दावत। ANP, MWM, पाकिस्तान अवामी तहरीक और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। गवर्नर पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला प्राइस कंट्रोल काउंसिल की निगरानी करेंगे। जखीरांदोजी पर 1 माह से 1 साल तक सजा होगी। कंपनीज के लिए पंखे वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर कराना लाजमी करार। आइंदा सीजन में सिर्फ वजारत साइंस के मंजूर शुदा पंखे ही बेचे जा सकेंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से पंखे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। मियारी पंखों के इस्तेमाल से बिजली की भी बचत होगी। FBR के IRIS सिस्टम में खराबी। टैक्स गुजारों को सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने में मुश्किलात। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस का टैक्स रिटर्न जमा कराने के तरीकेकार को आसान बनाने का मुतालबा। शकरगढ़ सरहद के करीब मकबूजा जम्मू के इलाके सांबा में पाकिस्तानी गुब्बारे से भारतीय सेना की दौड़े लग गई। भारतीय शहर PIA जहाज दिमा गुब्बारे को देख कर सहम गया। पुलिस ने गुब्बारे को उतारा। दहशतगर्द की तरह गुब्बारे पर रुमाल डालकर लेकर